एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है अगेन एक फेस्टिव हॉल, और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साड़ियाँ, ब्लाउज एंड जो ज्वेलरी का कलेक्शन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, सभी फेस्टिवल के अकॉर्डिंग है। सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, करवा चौथ आने वाली है, दुर्गा पूजा आने वाली है, और जो है अभी नवरात्रि स्टार्ट हो गई है, तो वो उसमें भी आप बाय कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल साड़ियाँ हैं एंड सारे ब्लाउज कलेक्शन है। एंड गाइस, अमेजोन पे स्टार्ट हो गई है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, जो कि 17 से स्टार्ट हो गई है, तो आप बाय कर सकते हैं। क्योंकि आपको क्लोथिंग पे, फैशन पे, आप कुछ भी चीज परचेस करते हो, ज्वेलरी परचेस करते हो या फिर होम डेकोरेशन, कोई भी आप सामान परचेस करते हो, वहां पे आपको 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, 60-70%, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी सेल है। एंड अगर आप कुछ भी चीज बाय करना चाहते हो तो इस सेल में जरूर से जरूर कर सकते हो, क्योंकि ये साड़ियां मैंने सेल में बाय की है, तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिली है। मैं सभी की प्राइस स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड सभी साड़ियों के, ब्लाउज के, ज्वेलरी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जस्ट आपको वहां पे उस पर क्लिक करना है। माय हॉल स्टोर के नाम से एक ही लिंक मिलेगा, एंड देन कुछ इस तरीके की इमेज निकल के सामने आएंगी, ये मेरी ही पिक्चर्स होंगी। और यहाँ पे आपको क्या होगा कि एक ही स्टोर में सारा कुछ एक साथ मिल जाएगा, इससे आपको शॉपिंग करना इजी हो जाएगा। बस आपको एक लिंक पे क्लिक करना है और आप वहां से बाय कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको शॉपिंग करनी है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी सेल है एंड सभी पे आपको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो फर्स्ट वाली साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, काफी ब्यूटीफुल साड़ी है और मुझे बहुत अच्छी लगी, और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। आप देखो कितना प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है, पूरा हैवी वाला वर्क है और बहुत ही लाइट वेट साड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लाउज पीस की, तो इसमें आपको ब्लाउज इसके अंदर अटैच मिल जाएगा, एंड ये टैफेटा सिल्क का ब्लाउज मिलेगा। एंड नीचे की साइड आप देख सकते हो जरी और एम्ब्रॉयडरी का गोटे पत्ती वाला काम किया हुआ है। ये काफी अच्छी चौड़ी चौड़ी क्या है बॉर्डर दिया हुआ है, जो आपके स्लीव्स में आ जाएगा। पूरा 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज है, लाइनिंग आप अटैच करवा लेना, थोड़ा शाइनिंग वाला मटेरियल है। अब मैं आपको पूरी साड़ी दिखा देती हूँ। पूरी साड़ी आपको ग्रे कलर की बंदनी प्रिंट में साड़ी मिलेगी, एंड बहुत सुंदर साड़ी है। आप देख सकते हो पूरा साड़ी का क्या है, जॉर्जेट का मटेरियल है, फैब्रिक जॉर्जेट का है, तो काफी सॉफ्ट है वियर करने के बाद, एंड गाइस काफी कंफर्टेबल रहेगी। तो पूरी साड़ी आपको इस तरीके की मिल जाएगी, एंड बीच बीच में इसमें छोटे छोटे ये वाले बूटे लगाए हुए हैं जो कि गोटा पत्ती के हैं, और नीचे की साइड आपको बॉर्डर मिल जाएगा, ये हैवी बॉर्डर मिल जाएगा, पूरा जरी के काम का है, गोटे पत्ती की लेस वाला ये बॉर्डर मिल जाएगा। तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है इस साड़ी का, कुछ इस तरीके की ये वाली साड़ी मिलेगी, एंड रियली बहुत सुंदर लगेगी इस फेस्टिवल में वियर करने पे। काफी ज्यादा ट्रेंडी है और बंदेज की साड़ी है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगती है। कलर ऑप्शन आपको इस पर काफी सारे मिल जाएंगे, अमेजोन पे आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हो। मुझे ये वाला कलर ज्यादा पसंद आया था, एंड इसका जो है आंचल इन्होंने काफी हैवी दिया है, आप आंचल देख सकते हो इसका, पूरे पे जरी वाला काम किया हुआ है, ये जो है एम्ब्रॉयडरी है, थ्रेड से ये एम्ब्रॉयडरी की गई है, एंड पूरा आंचल पे आपको इस तरीके का डिजाइन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरीके का चौड़ाई देख सकते हो आप, विथ काफी अच्छी खासी है, एंड जो साड़ी की लेंथ है वो 5.5 मीटर है, मतलब ब्लाउज मिला के आपको पूरी 6.6 मीटर की मिल जाएगी, यानी कि काफी अच्छी लेंथ है इसकी साड़ी की। एंड गाइस, ये वाली साड़ी का जो ब्लाउज है आपको 80 सेंटीमीटर का मिलेगा, तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। और ये जो आंचल पे आपको लेस दी गई है चारों तरफ मिल जाएगी, एंड ये वाला जो डिजाइन भी किया गया है, तो इस तरीके का ये पूरा आंचल मिलेगा, और यहाँ पे ये वाले ऐसे थ्रेड के टेसल्स लगाए हुए हैं, टेसल्स टाइप, तो ये सुंदर लग रहे हैं, काफी अच्छी है साड़ी। तो गाइस, जो नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, काफी ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन में है, और ये ड्यूअल टोन में है, बहुत सुंदर लगती है ये वाली साड़ी। मिरर की साड़ी है, पूरी मिरर का काम है, एंड जो है ये प्लास्टिक मिरर्स है। मैं आपको इसे ओपन करके बता देती हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसका ब्लाउज बता देती हूँ। इसका ब्लाउज आपको ये वाले ये मर्जेंटा कलर में मिल जाएगा पूरा ब्लाउज, एंड ये बहुत ही सुंदर बिल्कुल शाइनी वाला जो फैब्रिक आता है वो फैब्रिक है। पूरी साड़ी आपको सिल्क फैब्रिक में मिल जाएगी, बस इसकी मुझे थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट हूँ इस साड़ी से थोड़ा सा, क्योंकि क्या है जो ये चौड़ाई होती है ना, ये चीज़, ये चौड़ाई,
ये है ना और साड़ियों से थोड़ी सी कम है, तो 5.5 है मेरी हाइट, तो मुझे उस अकॉर्डिंग पहनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। थोड़ी अगर छोटी हाइट है तो उनके बहुत अच्छे से ये साड़ी आ जाएगी, लेकिन जो लंबी लड़कियां हैं उन्हें थोड़ा पहनने में प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी और ये साड़ी बहुत सुंदर है, एंड ये इस तरीके का आपको इसमें ब्लाउज मिल जाएगा। 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस है, ब्लाउज पीस पे ये वाला बॉर्डर दिया हुआ है मिरर ऑफ पैच वर्क का। बाकी पूरी साड़ी आपको 3 शेड में मिल जाएगी, ट्रिपल शेड में है। बीच में जो है ना ये आप देख रहे हो ये नेट है, ऊपर ये वाला मर्जेंटा कलर है और नीचे ये वाला रामा ग्रीन कलर दिया हुआ है जो कि गोल्डन टोन में है। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये साड़ी, वियर करने पे बहुत ही सुंदर लगेगी ये वाली साड़ी। एंड नीचे की साइड आप देख सकते हो पूरे पे इस तरीके के बॉर्डर मिल जाएंगे, एंड बूटे बनाए हुए हैं जो कि पैच वर्क है ये पूरा। एंड यहाँ पे मिरर्स लगाए हुए हैं, ये प्लास्टिक मिरर है। और ये जो है ना फैब्रिक है बहुत शाइनी मटेरियल, आप देख सकते हो बहुत शाइन कर रहा है। तो क्योंकि सिल्क की साड़ी है कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है इस साड़ी का। पूरी लेंथ अच्छी है, वही 5.5 मीटर की साड़ी मिलेगी, लेकिन इसकी जो है विड्थ वो थोड़ी कम लगी मुझे, चौड़ाई बहुत कम है इसकी। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, हाइट कम है तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। और इसका आंचल है, चारों तरफ आपको लेस मिल जाएगी। तो सेकंड वाली साड़ी आपको कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। नेक्स्ट साड़ी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही सुंदर साड़ी है, ये पिंक कलर की साड़ी है। एंड इसमें भी जो है फ्लिपकार्ट पे काफ़ी सारे कलर ऑप्शन हैं, लेकिन मैंने पहले दूसरा कलर बुक कराया था लेकिन पता ही नहीं वो शिफ्ट ही नहीं हुआ और उसके बाद कैंसिल हो गया, तो मुझे ये वाला कलर पड़ा। लेकिन ये वाला कलर भी जो है फंक्शंस के अकॉर्डिंग, फेस्टिवल आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा कलर है। एंड आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हो, पैटर्न देख सकते हो, काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो गाइस कुछ इस तरीके का इसका ब्लाउज मिलेगा। एंड इसके ब्लाउज के लिए मैं आपको इसका फ्रंट वाला पार्ट बता देती हूँ। ब्लाउज का ये फ्रंट वाला पार्ट इन्होंने ब्लाउज के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने बैक पार्ट दिया हुआ है। सेम आपको मतलब काफ़ी सारा जरी का काम, एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। पूरा ब्लाउज है जो ब्राइट रेड कलर में मिल जाएगा, टैफेटा सिल्क का ब्लाउज है 80 सेंटीमीटर का। एंड आप देख सकते हो पूरे पे कुंदन लगाए हुए हैं और ये पूरा जो आपको ये वर्क दिख रहा है ये पूरा जरी का वर्क है। तो पूरा काफ़ी ब्लाउज हैवी इन्होंने दिया हुआ है, ये इन्होंने स्लीव्स के लिए अटैच अलग से कपड़ा दिया हुआ है। तो काफ़ी बड़ा ब्लाउज है, शायद 90 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर के अराउंड है ये ब्लाउज। आप देख लो इतना बड़ा ये ब्लाउज मिलेगा, तो आप 3/4 स्लीव्स भी बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फैब्रिक दिया है। अब मैं आपको साड़ी बता देती हूँ, साड़ी बहुत ही सुंदर है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है साड़ी का। एंड इस तरीके की ये कुछ साड़ी मिलेंगी, इस तरीके की ये कुछ साड़ी मिल जाएगी। पूरा क्या है, जो लहरिया वाला प्रिंट होता है ना उस तरीके का प्रिंट है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पीच और बेज कलर के कॉम्बिनेशन में पूरी साड़ी है। एंड नीचे की साइड बस इन्होंने इसमें ये वाली बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस दी हुई है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। एंड यहाँ पे ये वाला जो है राउंड राउंड वाला डिजाइन दिया हुआ है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है साड़ी में। तो स्टार्ट करते हैं, ये वाली साड़ी कुछ इस तरीके की, ये वाली पूरी प्लेन साड़ी मिलेगी। पूरी लेंथ आप देख सकते हो काफी अच्छी है साड़ी की, पूरी 5.5 मीटर की साड़ी है एंड चौड़ाई भी काफी अच्छी है साड़ी की, बहुत सुंदर साड़ी है पूरे पे। और जहां से आप सेकंड वाला राउंड स्टार्ट करते हो ना वहां से आपको इसमें दोनों साइड लेस मिल जाएगी, जैसे यहाँ से वही सेम लेस आपको दोनों साइड मिल जाएगी। एंड इसका जो आंचल है वो कुछ इस तरीके का इन्होंने दिया हुआ है, बहुत सुंदर साड़ी है। टोटल 3 साड़ियाँ मैंने परचेज की थी। अब मैं आपको ब्लाउज दिखा देती हूँ, ये वाले ब्लाउज आप एज ए ब्लाउज भी और एज ए क्रॉप टॉप वियर कर सकते हो। क्रॉप टॉप भी है ये और ब्लाउज का भी वर्क करेंगे, दोनों तरीके से आप इन्हें यूज कर सकते हो। खाली जो क्रॉप टॉप्स हैं एंड ब्लाउज है ये आप लोगों की डिमांड पे ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के काफ़ी सारे मेल्स मुझे रिसीव हुए थे एंड मैसेजेस रिसीव हुए थे, तो मैंने फाइनली ऑर्डर कर दिया था इन्हें, अब मुझे रिसीव हुए हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, इस तरीके की आपको ये शॉर्ट क्रॉप टॉप मिल जाएगी, क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो इस वाले क्रॉप टॉप को। आप इसे डेनिम के साथ वियर कर सकते हो, काफ़ी अमेजिंग लुक आएगा इसको वियर करने के बाद, शॉर्ट्स के साथ डेनिम के साथ, एंड बहुत ब्यूटीफुल है और एज ए ब्लाउज भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आपको इस तरीके की स्लीव्स मिल जाएगी, यहाँ पे रेनबो वाली इसमें डिज़ाइन दी हुई है, हाई नेक है, हाई नेक पे भी रेनबो डिजाइन मिल जाएगी। इस तरीके के जो क्रॉप टॉप्स हैं ब्लाउज हैं साड़ी के साथ बहुत सुंदर लगते हैं, स्कर्ट्स के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा अच्छा लुक आता है, थोड़ा रॉयल लगते हैं। एंड आप लेंथ देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी लेंथ है,
तो अगर आप जैसे साड़ी पहनो तो आप इसे अंदर की साइड फोल्ड करके इसे वियर कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। मैंने इसमें जो साइज परचेज किया है वो मीडियम साइज परचेज किया है, एंड इसमें आपको एक्सेल डबल एक्सेल तक का साइज अमेजोन पे मिल जाएगा। कॉटन का फैब्रिक है, प्योर कॉटन फैब्रिक है, बहुत अच्छा सा थिक फैब्रिक इन्होंने दिया हुआ है। डेफिनेटली ट्राई करना इस वाले ब्लाउज को। अब जो नेक्स्ट ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी ब्लैक कलर में है। क्या है, कुछ ब्लाउज ये ब्लैक रेड कुछ ऐसे ब्लाउज होते हैं जो डेली वियर में काफी ज्यादा यूज आते हैं, एंड आप इन्हें बहुत ही कंफर्टेबल वाले ब्लाउज हैं तो आप इन्हें डेली में भी यूज कर सकते हो। और जैसे हैवी साड़ियाँ हैं तो लाइट जो ब्लाउज होते हैं थोड़ा बिल्कुल सिंपल ब्लाउज उनके साथ अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके का ये वाला ब्लाउज मिलेगा। इसमें राउंड नेक है, स्कूप वाली नेक दी हुई है, राउंड क्या स्कूप नेक है, थोड़ा इस तरीके से नेक आएगी ये वाली। इसमें 3/4 स्लीव्स हैं, एंड आप देख सकते हो प्योर कॉटन का है ये वाली भी। तो आप इसे डेनिम के साथ भी वियर कर सकते हो, कैप्री वगैरह शॉर्ट्स वगैरह के साथ, बहुत अमेजिंग लुक आएगा, बहुत ज़्यादा क्लासी लगते हैं इस तरीके के ब्लाउज। एंड इसमें भी कलर ऑप्शन काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेज करना। एंड इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है एम साइज, और इसमें आपको एस से स्मॉल से लेकर शायद एक्सल डबल एक्सल तक का साइज मिल जाएगा, प्योर कॉटन का फैब्रिक है। अब जो नेक्स्ट वाला ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, गाइस मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। मुझे हाई नेक वाले जो ब्लाउज होते हैं ना वो बहुत सुंदर लगते हैं। इसमें भी बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं। मैंने ये रेड वाला कलर परचेज किया है, ये एज ए क्रॉप टॉप है लेकिन बहुत सुंदर लगेगा साड़ी के साथ पेयरअप करने पर। अब मैं आपके साइड में जस्ट क्लिप ऐड कर दूंगी कि साड़ी के साथ ये पहनने पर कैसा लगा। इसमें जो है आप देख सकते हो फुल नेक मिल जाएगी, हाई नेक है, एंड शॉर्ट स्लीव्स मिलेगी। इसमें प्योर कॉटन का है, लेंथ अच्छी है, अच्छी खासी इन्होंने दी हुई है, और जो है ना इसका फैब्रिक है वो भी कॉटन फैब्रिक है, पूरा ब्राइट वाला रेड कलर है। एंड इसमें जो मैंने साइज परचेस किया है वो है मीडियम। इसमें भी आपको एक्सल डबल एक्सल तक का साइज अमेजोन पे मिल जाएगा, डेफिनेटली ट्राई करना। मैंने इस वाली वीडियो में ट्राई किया है, पूरे प्लेन ब्लाउज आपके साथ शेयर करने का। हैवी ब्लाउज मैंने कई बार शेयर कर दिए हैं अमेजोन से, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है मैं उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का ट्राई करूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वाली साड़ी में मैंने पूरे प्लेन ब्लाउज शेयर किए हैं, और जिन्हें क्रॉप टॉप की तरह भी आप वेयर कर सकते हो। लास्ट वन ब्लाउज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सॉरी क्रॉप टॉप, ये स्लीवलेस मिल जाएगा, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल टॉप है, बहुत सुंदर लगेगा। इस तरीके के टॉप्स जो हैं साड़ी के साथ भी आप बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं, स्कर्ट्स के साथ। क्या है, ये ब्लाउज प्लेन है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं इसे कलरफुल स्कर्ट्स के साथ, काफ़ी ट्रेंडी लुक आएगा। एंड ये वाला ब्लाउज राउंड नेक मिलेगी, स्लीवलेस है, एंड लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी इन्होंने दी हुई है, लेंथ बहुत अच्छी खासी है, एंड पूरा कॉटन में ये वाला ब्लाउज मिल जाएगा। इसमें भी आपको कलर ऑप्शन साइज सब कुछ अमेजोन पे मिल जाएंगे। मैंने इसमें एम साइज परचेस किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के परचेस कर सकते हो। जितने भी ब्लाउज और क्रॉप टॉप मैंने शेयर किए हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं, और डेफिनेटली आप इन्हें ट्राई करना। अब जो लास्ट चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ज्वेलरी। मुझे ये वाली एक ही ज्वेलरी मैंने परचेस की है, पूरा नेक पीस है, एंड बहुत सुंदर है। ये वाला क्या है, मुझे देखते ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। पूरा सिल्वर ज्वेलरी है, एंड इस तरीके की, एक मिनट मैं आपको पैकेजिंग तो दिखाना ही भूल गई, इस तरीके की पैकेजिंग में ये मिल जाएगा। बबल रैप में रैप होके आया था, और इस तरीके की पैकेजिंग में है, और बहुत ही सुंदर है ये वाला। और मैं आपको एक ब्रांड बता देती हूँ, आराध्या से है, आराध्या ज्वेलरी से है ये वाला। एंड अंदर की साइड आप देखो, आप साइड देख सकते हो, इस तरीके की ये पूरी सिल्वर ज्वेलरी है, बहुत सुंदर है। आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है सिल्वर ज्वेलरी, किसी भी साड़ी के साथ, कुर्तीज के साथ, टॉप्स के साथ डेफिनेटली वियर कर सकते हो, काफ़ी ट्रेंडी लुक आता है। एंड ये जो है ट्रिपल लेयर में है, 1, 2, 3 लेयर में आपको ये ज्वेलरी मिल जाएगी। नीचे की साइड इसमें एक कलरफुल स्टोन लगाए हुए हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है ज्वेलरी की, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। पैटर्न काफ़ी अमेजिंग है, बिल्कुल न्यू पैटर्न है, एंड इस तरीके के छोटे छोटे इसमें इयर रिंग्स भी दिए हैं। इस तरीके के आपको इसमें इयर रिंग्स भी मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही क्यूट क्यूट से इयर रिंग्स हैं, और ये एडजस्टेबल ज्वेलरी है। तो गाइस आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना, शेयर करना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ फेस्टिवल के अकॉर्डिंग। इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।